भाई मेरा नाम है विपुलिस और इस टाइम मैं खड़ा हूँ भाई मारुति के बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के सामने। ये है भाई इग्निस का बेस मॉडल भाई सिग्मा, ठीक है। इसमें भाई अब और वैल्यू फॉर मनी बन चुका है। अगर मैं बिना किसी टाइम वेस्ट कर भाई स्टार्ट कर उसकी फ्रंट लुक से, तो भाई इसमें नॉर्मल हमें हेलोजन बल्ब में यहाँ पे मिलते हैं, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट आप देख सकते हैं साइड में, थोड़ा ग्लॉसी पियानो ब्लैक फ्लिस में हमें ब्लैक का थोड़ा फिनिश मिलता है। और अगर मैं इसकी भाई फ्रंट से आप देख सकते हो भाई, कौन बोल देगा इसका बेस मॉडल भाई, हमें बिल्कुल जो डेल्टा जेटा वाला क्रोम फिनिश हमें मिलता है फ्रंट में। और ये है भाई हमारे फोग लाइट जो कि हमारे एसेसरीज का पार्ट है, एक किट है भाई 27,000 रुपीज़ की, जो कि एक वर्थ है इसको डेल्टा बनाने में भाई बिल्कुल सही। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात कर लूँ तो भाई हमें इसमें 1690 mm की इसकी विड्थ मिलती है, लेंथ मिलती है 3700 mm की और हाइट मिलती है 1595 mm की। तो भाई डायमेंशन भी सही है एक मिनी एसयूवी इसको कहलाने के लिए। अगर मैं साइड से बात कर लूँ तो भाई इस तरह की हमें साइड प्रोफाइल इसकी मिलती है भाई, कौन बोल देगा इसके बेस मॉडल है यार। इसकी जो लेंथ है वो 3700 mm एंड सब 4 मीटर। और भाई अगर मैं टायर साइज़ की बात कर लूँ तो भाई 175 R15 inches की हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाए भाई। टायर साइज़ भी बहुत सही है भाई इसका बेस मॉडल में, यानी कि आपको टायर साइज़ छोटा मिलेगा। फेंडर पे हमें यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, और भाई मैं इसका जो RPM है वो हमें बॉडी कलर ही मिलेंगे, और इसका जो साइड डोर हैंडल्स है वो भी हमें बॉडी कलर मिलेंगे, जो कि इसके बेस मॉडल को बिल्कुल भी शो नहीं करते भाई। देख रहे हो आप जो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो काफ़ी यार सही लगती हैं एक ओनर को वो करने के लिए भाई। इस छोटी मोटी जो हम क्रोम फिनिश देख रहे हो आप नीचे डोर्स पे, ये भी थोड़ा एक एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे 3 spoke दिए गए हमें डिज़ाइन बढ़ाने के लिए। उसका ये है भाई बैक लुक भाई, यही थोड़ा सा बस थोड़ा कस्टमर्स को आउट लगता है। काफ़ी पीपल का कहना है कि इनका बैक लुक इनको पसंद नहीं आया, लेकिन भाई फिलहाल ये देखो आप सेंटर में हमें 4 parking sensor के साथ यहाँ पे बीच में मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि एक बहुत वर्थ बना देता है इस बेस मॉडल को खरीदने के लिए भाई। देख रहे हो आप इस तरह का इसका बैक लुक मिल जाता है हमें। यहाँ पे सिंपल हमें कोई LED सेटअप नहीं मिलता, नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ ही हमें जो हमारे बैकलाइट्स यहाँ पे हमें मिलती है। अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसका मैं खोल खोल करके दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे हमें बूट ओपन करने का कोई भी नहीं मिलेगा, पीछे हमें यहाँ पे मिल जाएगा भाई। तो भाई बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई इसमें हमें 260 लीटर का इसमें हमें बूट स्पेस मिलता है भाई। हमें पार्सल ट्रे कोई किसी तरह की पार्सल ट्रे हमें यहाँ पे नहीं मिलती भाई। ये हमारे कुछ एसेसरीज के पार्ट हैं। और अगर मैं इसके स्पेयर व्हील साइज़ की भी बात कर लूँ, जो हमें स्पेयर व्हील इसमें मिलता है वो भी हमें सेम साइज़ का ही मिलता है भाई। 15 inches का हमें स्पेयर व्हील इसमें मिलता है भाई। इसका डिसेंट है बूट स्पेस, आपके 2-3 bag आराम से लगेज आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई बंद कर लेते हैं फिलहाल इसको। और अपना साइड प्रोफाइल में अगर इसके मैं फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो भाई 32 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि एक सही है इसके गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। और भाई मारुति की फिट एंड फिनिश भी सही है भाई, बिल्कुल फिट एंड फिनिश में भी इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी मारुति के प्रोडक्ट्स में भाई। 32 लीटर का इसमें हमें फ्यूल टैंक मिलता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई अब इस गाड़ी के अंदर से, तो भाई अब मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। इस तरह का हमें मिलता है डोल्टोन का स्टीयरिंग व्हील, और भाई सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें इसमें नहीं मिलते। और यह है बेस मॉडल की पहचान मारुति की, इतने भद्दा स्टीयरिंग अपना मीटर देते थे, लेकिन कोई बात नहीं भाई बेस मॉडल है, टैकोमीटर नहीं देते मारुति अपने बेस मॉडल में। इस तरह की हमें टच स्क्रीन यहाँ पे मिल जाती है, जो कि एसेसरीज का ही पार्ट है। इसमें हमें रिवर्स पार्किंग सामना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसका म्यूजिक सिस्टम हमें मिलता है भाई 2 speaker के साथ। ये हमारी हजार्ड लाइट और ये हमारा मैनुअल एसी के कंट्रोल्स। इस तरह हमें ऑटोमेटिक तो नहीं मिलेगा भाई, मैनुअल एसी में हमें मिलेगा। यहाँ पे हजार्ड लाइट, यहाँ पे 12 volt का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अरे भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये भी एसेसरीज का पार्ट है क्या भाई, टिश्यू पेपर से लग रहे हैं। तो देखते हैं इधर, यहाँ पे भाई हमें ये कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये खाली स्पेस है यहाँ पे। इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन स्पीड, इस गियर पे लीवर पे कोई क्रोम फिनिश यहाँ पे नहीं दिया गया, ये पे हैंड ब्रेक। और हमें आगे की 2 power window, चाइल्ड लॉक सिस्टम, इस तरह के हमें कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई बिल्कुल क्रोम का आपको कोई यूज़ नहीं मिलेगा, विंडो पे बिल्कुल नॉर्मल ब्लैकआउट हमें यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलेंगे भाई, बेस मॉडल की पहचान। और अगर मैं AC वैंस की बात कर लूँ तो क्रोम फिनिश यहाँ भी हमें नहीं मिलता, फिर वही से बेस मॉडल की पहचान है भाई। यहाँ पे क्रोम आपको कम से कम देखने को मिले, इंटीरियर में हमें नॉर्मल आप आयरवे मिलता है। इस साइड की बात कर लूँ तो मिरर तो दूर की बात, आपको टिकट होल्डर भी यहाँ पे भाई नहीं मिलेगा। और अगर मैं इस साइड की बात कर लूँ तो इस साइड हमें यहाँ पे भी मिरर कोई ऑफ़र नहीं किया गया भाई।
तो नॉर्मल हेलोजन लाइट मिलती है हमें इनसाइड एलईडी सेटअप, तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा देखने के लिए। और डिसेंट है भाई, स्पेस की सीट छोटी थोड़ी छोटी है यार। देखो अगर कुछ अच्छा ही है तो कुछ बुराई भी है इसमें थोड़ी। इसकी जो सीट है भाई वो छोटी है, आपको थाई सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे में पेडल्स भाई, क्लच भाई, क्लच इसका सुपर डुपर लाइट है। इसका जो क्लच है भाई सुपर डुपर लाइट है। और एक चीज़ और देखना आप, इसके जो क्लच का जो ट्रैवल है वो ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत शॉर्ट इसका ट्रैवल है भाई क्लच का। और अगर मैं स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात कर लूँ तो भाई हमें ये मिलती है भाई, ये जो हमें स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट मिलती है वो ओनली वन साइड मिलती है आपका टिल्ट, बोथ साइड एडजस्टमेंट आपका स्टीयरिंग नहीं होगा। ये थोड़ी सी नई गाड़ी है, थोड़ा सा जाम। तो ये देखो आप भाई, ये वन साइड इसका एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग का, सिर्फ ऐसे आपका टिल्ट एडजस्टमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो भाई सही है, वैसे बेस मॉडल में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह का हमें स्टेयरिंग व्हील मिलता है भाई, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है, जो हमारी पुरानी बैलिनो में आता था ना। अब तो भाई स्विफ्ट वाला डाल दिया है इसमें, वही है स्पेस की भाई। कोई काफ़ी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है यार, स्पेस में तो आपको भाई अगर कोई बड़ा 6 फीट वाला बंद है उसको कोई थोड़ी सा इशू आ सकता है शायद। यहाँ पे हमें बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे 2 स्पीकर हमें मिल जाते हैं, फ्रंट के 2 स्पीकर हमें मिल जाते हैं, बोतल होल्डर। और भाई सही बताऊँ इंटीरियर क्वालिटी जो डोर की है वो डिसेंट है, ज़्यादा खास भी नहीं है, समझ सकते हो आप मारुति की क्वालिटी को। और अगर मैं बात कर लो फिर भाई रियर स्पेस की, तो जो अभी फ्रंट सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है भाई बिल्कुल। और देखो अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ ना भाई, लेग मैनुअल यहाँ पे हमें पावर विंडो मिलेंगी, कोई बेस मॉडल में आगे की 2 विंडो मिलेगी। अगर मैं लेग स्पेस की बात कर लूँ ना, लेग स्पेस तो काफ़ी है यार इसमें, लेकिन फिर भी यार इसमें थाई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसमें आप थक जाओगे। जो इसकी सीट भी है में भी भाई छोटी है, आप सीट भी इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबाई में भी और वैसे भी चौड़ाई में भी सीट इसकी छोटी है। पार्सल ट्रे हमें पीछे नहीं मिलेगी और इस तरह के हमें यहाँ पे पकड़ने को मिल जाएंगे। और लेकिन ये देखो आप, लेग स्पेस तो सही है लेकिन थाई सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा अभी, कोई रियर एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, हमें नॉर्मल एक कप होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे कोई रियर आर्म रेस्ट में हमें नहीं मिलेगा भाई। तो इस तरह देखो आप, हट्टे कट्टे से अगर 3 आदमी हैं तो भाई इनको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अगर दो तीन बंदे भी हैं आराम से तो उसमें बैठ सकते हैं भाई। तो इस तरह की हमें मिल जाती है भाई ये इसमें सेंटर लॉकिंग भाई, ये भी एक किट का ही पार्ट है, लॉक अनलॉक बजर के साथ हमें इसमें हमें सेंटर लॉकिंग मिलती है। तो भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसकी जो मैं अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो भाई 6,10,000 रुपये उसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है भाई, 6,10,000 रुपये। 6,10,000 रुपये में आपको इतना बड़ा इंजन, एक SUV लुक वाली गाड़ी मिल जाए तो भाई क्या ही कहने, इतना सब कुछ ऑफर कर देती हैं भाई ये गाड़ी। भी इसमें मिलता है हमें भाई 1.2 लीटर का 81 BHP विद 130 NM ऑफ टॉर्क वाला इंजन, जो कि भाई चलाने में बहुत सही है भाई। 14.65 की सिटी में माइलेज है और 20.89 अप्रोच 21 की इसकी हाईवे पर माइलेज है। मैं बात कर लेता हूँ इंटीरियर की, आपको जो मीटर है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाती है भाई। इसमें नॉर्मल जो हमें अल्टो में आती थी वही वाली की है इसकी, अगर सेंटर लॉकिंग नहीं है तो। इस तरह की हमें कुछ यहाँ पे इसका मीटर भाई हमें मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आपके आ रहे हैं पावर स्टीयरिंग का, कूलेंट का, और एवरेज गाड़ी की रन अप, कितनी ट्रिप 0, 8, 20 इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी इसमें हमें मिल जाएगी भाई, फ्यूल लीड का सिग्नल आ रहा है, सीट बेल्ट, इस तरह के हमें 4-5 सिग्नल हमें देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो भाई ये तो देखो मारुति की पहचान है, आपके बेस मॉडल को कुछ ना कुछ तो वो कॉस्ट कटिंग करेगी। जो इनके प्रीमियम है बिल्कुल ही हाई एंडेड गाड़ी है उनमें भी टैकोमीटर देते हैं बेस मॉडल में। तो इस तरह के हमें हेडलाइट्स, लेवलर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अलार्म का भी स्विच यहाँ पे दिया गया है। मैं बात कर लेता हूँ भाई इसके इंजन आपको, मैं एक बार दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जिस वर्थ ये प्रोडक्ट बन जाता है भाई। तो भाई ये है हमारा 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 81 BHP विद 130 NM ऑफ टॉर्क। भाई इसकी जो एवरेज है वो 21 क्लेम करती है कंपनी। भाई ये सुपर डुपर रिफाइंड इंजन है, बहुत ही स्मूथ इंजन है, आपको परफॉर्मेंस भी देगा और एवरेज भी देगा भाई ये निकाल के। तो भाई इस तरह की थी कुछ वीडियो, अगर भाई आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई।